सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ए जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी, ये करता हूँ इकरार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। Hey guys, this is me Sushmita and welcome to my YouTube channel Daniel's Makeup and Mehendi। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि मैं एक रिसेप्शन मेकअप में आप लोगों को करके दिखाऊंगी, तो आज इस वीडियो में मैं वही करने वाली हूँ। एंड मेरे वीडियो को देखने से पहले लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे एंड जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, मैं उतनी ही मोटिवेट होंगी कि आप लोगों के लिए मैं और भी बहुत ही अच्छा अच्छा एंड बढ़िया बढ़िया मैं वीडियो बना सकूं। एंड यस, मैंने देखा है कि बहुत जल्द आप लोगों में से चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हो लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक एंड फेसबुक पेज का लिंक मैंने दे दिया है, तो आप लोग जल्दी से क्लिक करके फॉलो कर दीजिए। एंड मैं सोच रही थी कि एक दिन यूट्यूब लाइव करूंगी, कैसा होगा दोस्तों? तो चलिए आप लोग जल्दी से इस वीडियो को जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे एंड जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, तो मैं कुछ दिन में ही जल्दी जल्दी से मैं लाइव आ जाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को देखते हैं। पहले मैं बार्टी का हनी वाटर टोनर अप्लाई करूंगी, जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं फुल फेस एंड नेक में मैं पूरा फुल अप्लाई करूंगी एंड फिर मैं अप्लाई करूंगी मॉर्फी आईब्रो पोमेड। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके मैं पूरा फुल आईब्रोज को फिल करूंगी पहले, फिर मैं अच्छे से शेप दूंगी। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस क्लियर फुल कवरेज कंसीलर इन द शेड 07। मैं आज ये सिर्फ यूज़ करूँगी आईब्रो को डिफाइन करने के लिए एंड फिर मैं यूज़ करूँगी टार्ट इन द शेड टार्ट कंसीलर इन द शेड मीडियम। मैं आई बेस के लिए यूज़ करूँगी एंड अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। एंड इसके बाद मैं आई मैजिक क्रीम पैलेट से मैं पिंक एंड पीची कलर मिक्स करके मैं क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। यू नो ब्लेंडिंग इज़ द सीक्रेट ऑफ मेकअप। एंड फिर मैं जैकलिन हिल पैलेट से वॉल्यूम 2 पैलेट से मैं पर्पल एंड मेरून शेड को मिक्स करके मैं आउटर कॉर्नर का जो आउटर कॉर्नर है, मैं आउटर कॉर्नर को ब्लेंड कर रही हूँ इनर कॉर्नर की तरफ। एंड मैं लाइट पीच एंड पिंक कलर को मिक्स करके मैं पर्पल कलर को एंड आई लिड को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। एंड फिर मैं लिड कॉस्मेटिक्स का ग्लिटर ग्लू ले रही हूँ, क्योंकि मैं मॉडल के फिल्म आईज में मैं ग्लिटर अप्लाई करूंगी। एंड इसके बाद मैंने डिलांसी पैलेट से मैंने डार्क पिंक एंड लाइट पिंक कलर का ग्लिटर ग्लू मैंने मिक्स करके मैंने अपने मॉडल के फेस पे मैंने अप्लाई किया है। एंड एक विदाउट एनी प्रोडक्ट मैंने ब्रश लेके मैंने थोड़ा सा क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड किया है। एंड फिर मैं अभी एक नॉन ब्रांड लिक्विड ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीज लाइन को मतलब एक शेप देने के लिए। एंड फिर मैं अभी फेस के लिए हाइड्रोजेल, जो कि PSC का है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा, स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देना है। एंड फिर मैं इंडल्जेंस रोज गोल्ड ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। ऑयल से आप लोग ऑयल से मतलब फेस बहुत ही मॉइस्चर दिखेगा। एंड मैं मिस्ट के लिए एज मिस्ट एंड हाइड्रेशन के लिए मैंने मैक का फिक्सर यूज़ किया है। एंड फिर मैं फॉर करेक्शन मैंने अप्लाई किया है मैक कंसीलर पैलेट एंड सॉफ्टवेयर जेड पैलेट से मैंने कंसीलर को थोड़ा सा हाईलाइट किया है। एंड फिर मैं नार्स फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है, मैं वो दिखाना भूल गई थी।
सो मैंने बहुत ही थोड़ा सा ही प्रोडक्ट अप्लाई किया था, क्योंकि एज मेरा फुल फेस मैंने कंसीलर से ज़्यादा मतलब कंसीलर से ही मतलब हो गया था, तो इसीलिए मैंने फाउंडेशन थोड़ा सा ही लिया है। एंड फिर मैं कंट्रोल कर रही हूँ वही सेम पैलेट सॉफ्टवेयर जेड पैलेट से मैं कंट्रोल कर रही हूँ, एंड ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर दूँगी। एंड फिर मैं अभी मिस क्लियर ब्लशर पैलेट से मैं ब्लशर अप्लाई करूँगी, एंड फिर PSC हाईलाइटर पैलेट से मैं हाईलाइट करूँगी फेस को। अभी तक मैंने फेस को सेट नहीं किया है ट्रांसलूसेंट पाउडर से, मैं अभी लॉरा मार्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर से मैं फेस को सेट करूँगी, ताकि हम लोगों का फेस केकी ना दिखे, एंड हम लोगों ने जो अप्लाई किया है फाउंडेशन कंसीलर व्हाटएवर, ताकि वो अच्छे से फेस पे सेट हो जाए। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का काजल, जो कि रिजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आप कोई भी ब्लैक शेड्स लेकर अपने काजल को अच्छे से स्मच कर लीजिए नीचे की तरफ, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं फैलाना है, नहीं तो बहुत ही डार्क दिखेगा हम लोगों का आईज। एंड मैंने आईलाइनर के लिए मैंने इंग्लॉट जेल लाइनर यूज़ किया है, मैंने हल्का सा डिफाइन मतलब हल्का सा नीट एंड क्लीन मतलब क्लीन के लिए मैंने लैक्मे का आईलाइनर भी यूज़ किया है। एंड फिर आप लोग तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये कौन सा ब्रांड का मस्कारा है, तो चलो मैं फिर भी बताती हूँ, ये मेबलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा है, जो कि रिजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा मिलता है। एंड फिर मैं अभी यूज़ कर रही हूँ एनेस्टेशिया ब्रेवरी हिल्स पैलेट से, मैं इन द शेड 12 एंड 1 शेड 12 एंड 1 मिक्स करके मैं अपने मॉडल पर अप्लाई कर रही हूँ।